रेलवे में कंफर्म टिकट मिलना किसी जंग जीतने के बराबर है। ट्रेन में सफर करने के लिए आपको 3 महीने पहले ही टिकट लेना होता है, वो भी अगर त्योहार का सीजन रहा तो 3 महीने पहले भी कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता। लेकिन रेलवे ने लोगों को कंफर्म टिकट देने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। अगर रेलवे अपनी स्कीम को सही चला पाया तो 2021 से यात्रियों को उनकी पसंदीदा ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलेगा। इसके लिए रेलवे व्यस्त रूटों पर अधिक ट्रेनें चलाने की योजना बना रहा है। फिलहाल मांग और ट्रेनों में सीट की उपलब्धता के बीच काफी अंतर है, विशेष रूप से दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई मार्गों पर, जिसकी वजह से इन रूटों पर महीनों पहले तक कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता है। मांग आपूर्ति में संतर को पूरा करने के लिए रेलवे व्यस्त मार्गों पर और यात्री ट्रेन पेश करने की योजना बना रहा है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इस दिशा में योजना तो शुरू कर दी है। सुरेश प्रभु ने कहा कि मालगाड़ियों को उनके लिए अलग से बनाए जा रहे गलियारे में स्थानांतरित किए जाने से ये संभव हो सकता है। इसके लिए रेलवे ने काम शुरू कर दिया है। वहीं ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है। रेलवे ने रेल को 200 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाने के लिए दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई रेल गलियारों पर काम शुरू किया है। इसके लिए अगले 3-4 सालों में 20,000 करोड़ रुपए का निर्धारण किया गया है। वहीं नए ट्रैक को जोड़ने का काम भी शुरू किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।